कल्पना कीजिए आप वीडियो बनाते हैं, सुबह सो के उठे और आपको पता चले गुरु रांधवा ने आपके वीडियो को नोटिस किया है। अरे भैया, हार्ट अटैक आते आते बचेगा जब आपको ये जानने को मिलेगा कि अनुपम खेर द अनुपम खेर लीजेंड ने अपने इंस्टाग्राम आईडी पे आपका वीडियो शेयर किया है और बस वही हार्ट अटैक आते आते हमको भी बचा। अरे सच्ची, अनुपम खेर गुरु रांधवा ने मेरा वीडियो डाला है। ऊंची बातें ऊंची ऊंची। चलो मत मानो, हमको क्या है, इस वीडियो में तो साबित करके आपको दिखाई देंगे। आइए देखते हैं, बैठ मजा आएगा। देखो बात ऐसा है, हम आते हैं बिहार से और लिटरली बिहार में तो हमने गर्दा उड़ा दिया है। चाहे बात कर लीजिए फेसबुक की, बात करना है तो यूट्यूब की भी कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे तो जलवा उड़ा दिया आपका भाई। लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी बिहार के भोजपुरी सुपरस्टार ने इस तरीके से हरकत किया हो कि अपने आईडी पे हमारे वीडियो को प्रमोट कर दिया हो। लेकिन हाँ, इतना तो हुआ है। राजन सिंह मुकुट जी हो गए। नहीं, इतना ही नहीं, आप लोगों ने जितना प्यार दिया है हमको उसके बदौलत अब भोजपुरी के सभी सुपरस्टारों से बात भी हो जाता है। और एक बार तो ऐसा हो गया था कि पवन सिंह ने अपने आईडी से कमेंट कर दिया था, लेकिन फिर पता नहीं किस नासपीटा का नजर लगा, उन्होंने डिलीट भी कर दिया। शायद बाद में रियलाइज हुआ हो कि अरे यार, कहां छोटे मोटे लोगों के आईडी के नीचे जाके कमेंट कर दिए। इन शॉर्ट सिंपल में समझो, अपन जो है वो पवन सिंह के औकात से बहुत दूर बहुत दूर बहुत छोटे हैं। और बात भी सही है, कहां राजा भोज कहां राजन सिंह मुकुट। अब हुआ ये कि ये कारवा बढ़ने लगा और हमने सोचा कि बताइए, इतना पोटेंशियल लगा कि वीडियो बनाते हैं तो क्यों ना एक कैटेगरी और ऊपर बढ़ा जाए और थोड़े हिंदी के बारे में भी चर्चा किया जाए। हमने खूब मेहनत किया और सोचा कि चलो अब थोड़ा हिंदी से रिलेटेड भी वीडियो बनाते हैं। और फिर क्या था, मेहनत करते गया, बहुत सारा वीडियो बनाया और एक दिन जब सुबह उठ के देखा तो देखा गुरु रांधवा ने अपने आईडी पे मेरे वीडियो को शेयर किया है और तगड़ा सा प्यारा सा कैप्शन भी लिखा है। और ये देखते हम शॉक्ड हो गए कि ए तेरी, कहीं फैन पेज वाला तो नहीं डाला है। जाके आईडी देखे तो इतना ज़्यादा फॉलोअर था और हम तो पागल हो गए कि भाई साहब। चलो अब आप ये सोच रहे होंगे, राजन ने वीडियो बनाया, गुरु रांधवा ने नोटिस करके अपने इंस्टाग्राम पे डाल दिया, पिक्चर खत्म तो नहीं। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। देखो थोड़ा सा गौर से गुरु रांधवा के आईडी को देखा तो पता चला गुरु रांधवा का आईडी किसी और के साथ कोलैब है। और जब जिसके साथ कोलैब था उसको देखा तो शरीर का हर एक पुर्जा हिल गया, शरीर का रोंगटा खड़ा हो गया कि बताइए, वो इंसान मेरा वीडियो डाला है जिसकी मेरी मम्मी भी फैन है और वो इंसान का नाम है अनुपम खेर। भाई साहब, इतना ज्यादा खुशी हुआ कि हम आपको बता नहीं सकते हैं, इस मैग्नम की तरह हाल हो गया था मेरा। और देखो इतना सब देखने के बाद हमको रियलाइज हुआ कि सच में हिंदी इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री, साउथ इंडस्ट्री इसलिए इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है क्योंकि ये लोग हर पहलू का ध्यान देते हैं। बताइए, हमको रिकॉग्नाइज करना बहुत छोटा सा बात है इन बड़े बड़े सुपरस्टारों के लिए, लेकिन अपने आप को बड़ा करने के लिए दूसरे का भी पैर नहीं खींच के उनको भी बड़ा करने का कोशिश करते हैं। और एक लोग महान बन जाता है तो कुछ लोग बड़े बन जाते हैं। और ये है टॉप सीक्रेट बॉलीवुड का, साउथ का इतना ज्यादा बड़ा बनने का। खूब बात ये फरवरी का ही है, लेकिन इस स्टोरी को हम छुपा के इसलिए रखे थे क्योंकि इस तरीके का गुड मूड कभी नहीं हो रहा था। तो हमने सोचा कि नहीं नहीं, दुख की घड़ी में इस कहानी को सुनाने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए आज सुना दिया। चलो इस बात के लिए इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही सकते हो।